आज हम लोग वीडियो में ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि लास्ट वीडियो में हमने योजना पढ़ाया था, तो योजना में हमने बताया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश की शुरुआत होती है, और योजना अवकाश के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि भारत में एक कृषि उत्पादकता और उत्पादन में विस्तार या इसमें वृद्धि करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि एक नई कृषि रणनीति बनाई जाती है, और इसी नई कृषि रणनीति के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति की सूत्रपात होती है। हालांकि आप जानते हैं कि इस समय हमारे देश में कोई भी योजना नहीं था, इस समय योजना अवकाश का काल था। इस योजना अवकाश के दौरान हमारे देश में वार्षिक योजना चलाई गई, और उसी वार्षिक योजना के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति आरंभ की जाती है। इस हरित क्रांति को कभी कभी आगत क्रांति के नाम से भी स्मरण किया जाता है। देखिए, याद करने की चीज है, इसे इनपुट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसे हिंदी में आगत क्रांति के नाम से भी हम लोग स्मरण करते हैं। इसे इनपुट रिवॉल्यूशन, इंग्लिश में इनपुट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसका दूसरा नाम आगत क्रांति है। अब भारत में हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था। आजादी के तुरंत बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो योजना बनाते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, उस योजना में कृषि क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया था। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए हमने कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने का निर्णय किया। इसके अलावा भूमि जो भूधारण प्रणाली थी उसमें भी हम लोगों ने सुधार किया। इसके अलावा लगान में नियमन भी हम लोगों ने किया। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि चकबंदी व्यवस्था इत्यादि की गई, ताकि हमारे देश में किसी तरीके से कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों में रेगुलर या निरंतर वृद्धि हो। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में साख सुविधा का विस्तार भी बढ़ाया गया। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि कई डैम की स्थापना की जाती है, या मल्टीपर्पज या बहुउद्देशीय नदी परियोजना की हमारे देश में शुरुआत की जाती है। इन सभी का कृषि क्षेत्र पर बेहतर तो परिणाम हुआ, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि उत्पादकता में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं देखेंगे। कुल उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि उत्पादकता में कोई बहुत अच्छा विस्तार नहीं हुआ। भारत को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा, चूंकि भारतीय कृषि मानसून की जुआ एक तरह से थी। मानसून के सफल होने पर ही हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन बेहतर होता था, लेकिन मानसून के असफल होने के साथ हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन जो होती थी वह घट जाती थी, और इसका परिणाम यह होता था कि देश में आर्थिक समृद्धि की दर भी जो होती थी वह कम हो जाती थी। तो भारत एक कृषि प्रधान देश था, और कृषि प्रधान देश के लिए एक बड़ी शर्म की बात थी कि हम कृषि प्रधान होने के बावजूद भी भारी मात्रा में विदेशों से खाद्यान्न पदार्थों का आयात करते थे। और किसी भी देश में हम लोग ये देखते हैं कि जब खाद्यान्नों का आयात किया जाता है, तो वहां पर पूंजी निर्माण की दर जो होती है वह धीमी हो जाती है या कम हो जाती है। और पूंजी निर्माण की दर में कमी की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि विकास की दर जो होती है उतनी नहीं बढ़ पाती है जितना कि इच्छित होती है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की घोषणा की गई। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में इस समय लाल बहादुर शास्त्री, जिसे भारत का लाल कहा जाता है, वह एक मुखिया के तरह उभर कर सामने आते हैं। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में बेहतर करने का निर्णय किया। उन्होंने ये चीज समझ लिया कि एक तो देश में सिक्योरिटी का एक पुख्ता इंतजाम, यानी सुरक्षा का एक पुख्ता इंतजाम करना होगा, और दूसरा कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा। इस तरीके से उन्होंने एक नारा भारत में दिया, उस नारा को जय जवान और जय किसान कहा गया। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर किया गया। चूंकि आप जानते हैं कि भारत को इस समय इंडो चाइना वार पर संकट का सामना करना पड़ा था, बाद में हम लोग ये देखते हैं कि इंडो पाक वार का भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि भारी मात्रा में देश में खाद्यान्नों का आयात भी करना पड़ा था, और PL 480 समझौता जो हमने अमेरिका से किया था उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण था। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस समय उन्होंने विषम परिस्थिति में यही नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने जवानों से कहा कि तुम सीमा को सुरक्षित करो, हम तुम्हारा आधुनिकीकरण करेंगे,
और आधुनिकीकरण के साथ साथ तुम्हारे आकार को हम बढ़ाएंगे। इस तरीके से जवानों के कंधों पर उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी को सौंप दिया और किसानों को ये जिम्मेदारी सौंपा गया कि धरती का सीना चीर कर इतना अनाज पैदा किया जाए कि कम से कम भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और हमें विदेशों पर से खाद्यान्न आयात की निर्भरता खत्म हो जाए। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इस परिस्थिति में या विषम परिस्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि यह क्रांति लाई जाती है। हालांकि आप जानते हैं कि हरित क्रांति ये पूरी तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द पूरी तरीके से विदेशी है। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो होती है या उत्पत्ति जो होती है वह विदेश से ही होती है। हम लोग ये देखते हैं कि एक अमेरिका का कृषि वैज्ञानिक था जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो होता है प्रयोग के तौर पर मैक्सिको में सबसे पहले एक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी गेहूं की एक नई प्रजाति के बीज की खोज करता है। इसमें जीन होते हैं, इन जीनों को हम लोग ये देखते हैं कि हाइब्रिड कराकर एक नई सीड्स की खोज करता है। इसे HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहा गया। यह काम किसके द्वारा किया जाता है तो हम लोग ये देखते हैं कि अमेरिका का कृषि वैज्ञानिक था जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ये काम कब किया गया तो हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग महोदय जो होते हैं ये काम 1952 में करते हैं। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि इसकी वाणिज्यिक शुरुआत जो होती है वह यूएस में होती है। यूएस में हम लोग ये देखते हैं कि इस गेहूं को जब बीज को बोया गया तो वहां पर अद्भुत रूप से एक एकड़ जमीन में या एक एकड़ भूमि में गेहूं की उत्पादकता जो होती है वह बढ़ जाती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 1954 में ये बैठकर एक शोध पत्र लिखते हैं और इस शोध पत्र में वो स्पष्ट करते हैं कि किसी भी देश में भूमि सुधार कार्यक्रम के अभाव में केवल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की सहायता से खाद्यान्न संकट की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। इस तरीके से हमारे देश में उस समय युवा कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था M.S. स्वामीनाथन। ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की निरंतर ये चिरौरी कर रहे थे कि भारत में भी इस बीजों का आयात करके हरित क्रांति को या ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या किया जाए, शुरू किया जाए। हालांकि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कहां होती है, अमेरिका में, जबकि इसकी प्रायोगिक तौर पर शुरुआत जो होती है वो कहां होती है, मैक्सिको में। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि व्यावसायिक स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत कहां होती है, अमेरिका में। हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जनक को किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। जब अमेरिका में हम लोग ये देखते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को बोया गया तो वहां का कृषि मंत्री था उसका नाम था विलियम गॉड। अमेरिका का जो कृषि वैज्ञानिक था उसका नाम था विलियम गॉड। विलियम गॉड जो होता है वो उस समय हवाई सर्वेक्षण करता था, मतलब वहां के कृषि मंत्री या कोई भी मंत्री जो होते हैं वो अपने क्षेत्र में घूमकर काम करते हैं। इसी तरीके से विलियम गॉड जो होता था वो हर साल खेतों का हवाई सर्वेक्षण करता था। पहले जब सर्वेक्षण करता था तो वो देखता था कि खेत कहीं अमेरिका के कहीं पीले थे और कहीं हरे दिखाई पड़ते थे। लेकिन जब ये गेहूं के बीज को बोया गया तो उसने हवाई सर्वेक्षण के दौरान यह देखा कि अमेरिका की पूरी धरती हरे रंग से, गहरे हरे रंग से पटी पड़ी है। चूंकि आप जानते हैं कि जो पौधों में पीलापन होता है वो एक प्रकार की बीमारी होती है, ये पौधों की बीमारी होती है। हम लोग ये देखते हैं कि जब इस बीज को बोया गया तो पौधे कहीं पीले नहीं दिख रहे थे, बल्कि पूरी अमेरिका की धरती हवाई सर्वेक्षण के दौरान उसने ये देखा कि पूरी हरे, गहरे हरे रंग से ढकी पड़ी है। जब वह उतरता है हवाई सर्वेक्षण करने के बाद तो पत्रकारों के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि झूम कर मुंह से निकलता है उसके कि दैट इज ए ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी विलियम गॉड ही जो है वो सबसे पहले इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग करता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का पहली बार प्रयोग हम लोग ये देखते हैं कि विलियम गॉड करता है। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि 1954 में जब शोध पत्र लिख दिया जाता है तो उसके बाद इस हरित क्रांति का विस्तार दुनिया के अनेक देशों में होता है। भारत में भी हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति की बात चलने लगती है। लेकिन हमारे देश में उस समय कृषि मंत्रालय को लग रहा था कि कहीं इन बीजों को मंगाया जाए और देश के पर्यावरण या मिट्टी या मृदा इत्यादि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े,
इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में इसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है, इस पर काफी प्रयोग किया जाता है, होमवर्क किया जाता है। और अंततः हम लोग ये देखते हैं कि 1965 में कृषि मंत्रालय जो होती है यानी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो होती है, हम लोग ये देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की आयात करने की अनुमति या हरी झंडी प्रदान कर देती है। इस तरीके से 1965 में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाता है। कौन प्रोजेक्ट बनाया जाता है? पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट हम लोग ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत, पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो होती है वह पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में होती है। इसका मतलब है कि पायलट प्रोजेक्ट में कुछ जिलों को चुना गया और इसमें कुल जिलों की संख्या जो थी वह 13 थी। 13 जिलों में चुनकर हम लोग ये देखते हैं कि इन बीजों की बुआई की जाती है और ये काफी सफल होती है। इस तरीके से भारत में जो हरित क्रांति आती है वह एम एस स्वामीनाथन के माध्यम से आती है, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन ने इस पर काफी काम किया था, इसीलिए भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में सबसे पहले हरित क्रांति जो होती है वह पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में आरंभ की जाती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट अत्यंत सफल होती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसकी चर्चा जो होती है वह विस्तार करने की तरफ बढ़ती है। तो अब सवाल यह है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द जो है वह भी विदेशी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन केवल शब्द नहीं बल्कि एक पूरी संकल्पना है, यह संकल्पना भी विदेश से आती है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इसे हम अपने देश में लाने के बाद इसका कुछ देशीकरण भी कर देते हैं। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि भारत में भी हरित क्रांति के जनक जो हैं वह भी जाने माने एक कृषि वैज्ञानिक थे और उनका भी नाम हम लोग शोहरत के साथ लेते हैं और वह भी हमारे देश में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने पहले ही बता दिया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कोई शब्द नहीं है बल्कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति शुरू करने के पहले करने के लिए दुनिया के किसी भी देश में हम लोग ये देखते हैं कि चार चीजों की जरूरत थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन को शुरू करने के लिए किसी भी देश में चार आगतों की जरूरत थी। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि उन्हीं देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया जा सकता था जहां उच्च उत्पादकता वाली बीज या संकरित बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। और यह बीज आप जानते हैं कि हमारे देश में विदेश से आयात किया गया था। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसका दूसरा आगत ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो है वह है केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर को रासायनिक उर्वरक कहते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति में जो बीज का प्रयोग किया जाता था वह हमारे देसी बीजों की अपेक्षा, ये बीज जो थे वह अपेक्षाकृत अधिक उर्वरक की मांग कर रहे थे। अगर इन उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो निश्चित है कि ये बीज पनप नहीं पाते। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं पर्याप्त मात्रा में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी जल या सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि अन्य बीजों की अपेक्षा हम लोग ये देखते हैं कि ये बीज जो थे वह जल की मांग अपेक्षाकृत ज्यादा करते हैं। इसी तरीके से इस बीज से निकलने वाले जो पौधे होते हैं वह बड़े सुकुमार या सुकुवार किस्म के होते हैं। इन पर देसी कीट पतंगों का बड़ा तेजी से प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि इन्हें कीट पतंगों से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में किसी देश में केमिकल इंसेक्टिसाइड्स भी होनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवा भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि यही चार आगत थे। इन आगतों के अभाव में हम लोग ये देखते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में हरित क्रांति जो होती है वह शुरू नहीं हो सकती थी। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति को कभी कभी आगत क्रांति कहते हैं। तो आगत क्रांति के कारक क्या हैं या हरित क्रांति के चार कारक क्या हैं क्या है? तो पर्याप्त मात्रा में संकरित बीजों की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में जल या सिंचाई की सुविधा, इसी तरीके से पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि काफी मात्रा में या अधिक मात्रा में हम लोग ये देखते हैं कि कीटनाशक दवा होना चाहिए। इन चारों आदतों को लेकर ही दुनिया के किसी भी देश में हरित क्रांति आरंभ की जा सकती थी।
हम लोग ये देखते हैं कि भारत में जब हरित क्रांति लाया गया तो इस पर काफी गहन विचार विमर्श किया गया, और गहन विचार विमर्श करने के बाद इन चारों आगतों की उपलब्धता को देश के अंदर सुनिश्चित किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये चारों आगत भारत के लिए काफी कठिन है, ये चारों आगत काफी महंगे होते हैं, ये विदेश से आते हैं और इसकी कीमत जो होती थी वो काफी ऊंची होती थी। और ये चारों आगत किसके पास होना चाहिए? निश्चित तौर पे किसान के पास। अगर शाही कमीशन की रिपोर्ट को आप मानते हैं तो शाही कमीशन स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत का एक कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवित रहता है और ऋण में ही मर जाता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि भारत का किसान अत्यंत निर्धन था, उसके पास खाने की दो वक्त की रोटी पर्याप्त नहीं होती थी। तो सवाल यह है कि क्या खेतों में डालने के लिए यह चारों आगत खरीद सकता था? तो इसका उत्तर निश्चित तौर पर ना था। किसानों के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि देश में इन चारों आगतों को खरीदकर हरित क्रांति जैसी नीति को सफल बना सके। अब इसमें अलग अलग अगर व्याख्या किया जाए तो जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, संकरित बीज, अभी तक हमारे देश के किसानों को जब बीज की जरूरत होती थी तो अपनी उपज, अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि वो जो भी फसल उगाते थे उसका एक निश्चित हिस्सा अपने पास बचाकर रख लेते थे और हम लोग ये देखते हैं कि बाकी हिस्सा वो उसका उपभोग कर जाते थे, और वह किसान उसे बचाकर रखता था ताकि भविष्य में या आगे आने वाले वर्ष में इसे बीज के रूप में हम प्रयोग में ले लेंगे। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स उसके लिए खरीदना था और यह बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कदम थी, ये किसानों के बस की चीज नहीं थी, एक तो काफी महंगा था। जैसे मान लेते हैं सरकार इन बीजों को हम लोग ये देखते हैं कि ऊंचे कीमत पर विदेश से मंगवाती है और किसानों के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि कम कीमत पर मुहैया या उपलब्ध करा देती है। अगर ऐसा करा देती है तो निश्चित तौर पर किसान इन बीजों को क्या करते हैं? खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने खेतों में बोलेंगे। इसी तरीके से अब दूसरी समस्या फिर अटक जाती है, वह है केमिकल फर्टिलाइजर। हमारे देश के किसानों के लिए यह बिल्कुल नया था, अभी तक हमारे देश के किसान कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते थे, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी कूड़ा करकट कचरा इत्यादि होता था वो अपने खेतों में क्या करते थे? हर साल डाल देते थे। इससे हम लोग ये देखते हैं कि उनके खेत क्या होते थे? उर्वर हो जाते थे। दूसरा, हम लोग ये देखते हैं कि फसल रूपांतरण का प्रयोग करते थे, समय समय पर हम लोग ये देखते हैं कि भूमि को परती भी छोड़ देते थे ताकि भूमि अपनी खोई हुई उर्वरता को पुनः प्राप्त कर ले। लेकिन अभी बीजों को बुआई करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरक, ये उनके लिए नया था और काफी महंगा था, विदेश से आयातित की जाती थी। अब ऐसी कंडीशन में किसानों के पास अपने पास पैसा नहीं है खाने को, क्या वो पौधों को खिलाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर मंगा सकता था? नहीं। ऐसी कंडीशन में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी केमिकल फर्टिलाइजर को खरीदकर ग्रीन रेवोल्यूशन को सफल बनाना। जैसे यहां पर भी मान लेते हैं सरकार इन्हें ऊंचे कीमत पर मंगाती है और कुछ सब्सिडी के साथ किसानों के बीच में इसे मुहैया करा देती है, तो कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर भी किसान के तक पहुंच सकती। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि फिर तीसरा समस्या था इरिगेशन। उस समय आप जानते हैं कि भारत की केवल 12 से 13% भूमि सिंचित थी, यानी कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 12 से 13% हिस्सा जो था वो सिंचित था, बाकी हम लोग ये देखते हैं कि पूरा या संपूर्ण हिस्सा हम लोग ये देखते हैं कि अनसिंचित था, यानी सिंचाई से परिपूर्ण नहीं था। आज भी अगर गौर करें तो आप देखते हैं कि आज भी कृषि योग्य की आधा जमीन जो है वो असिंचित है। अगर शाही कमीशन की बात आप मानते हैं तो वह स्पष्ट कहता है कि भारतीय कृषि मानसून की जुआ थी। इसका मतलब कि अगर मानसून सफल तो कृषि भी सफल हो जाती थी, अगर मानसून असफल तो उसके साथ कृषि भी क्या होती थी? असफल हो जाती थी। फिर इसमें एक संस्थानिक समस्या थी, किसानों को इरिगेशन तत्काल मुहैया नहीं कराया जा सकता था, इसके लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजना वगैरह चलाई जा सकती थी, लेकिन सिंचाई की सुविधा के विस्तार में काफी समय लगता है और इसके लिए बड़ी संसाधन की आवश्यकता होती है, और चूंकि देश के किसान या देश के लोग गरीब थे तो सरकार भी हमारे देश की गरीबी थी, अतः सरकार के भी ये बस की चीज नहीं थी कि ये तत्काल या तुरंत फुरंत अपने देश में इसका विस्तार या फैलाव कर ले। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी को विस्तृत करना एक संस्थानिक समस्या भी थी। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जैसे ट्यूबवेल वगैरह की सरकार स्थापना करवा सकती थी, नलकूप वगैरह को स्थापित करने के या खुदाई करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कुछ व्यवस्था सरकार सब्सिडी वगैरह या ग्रांट वगैरह दे सकती थी किसानों को।
इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि सरकार इस बीज को केवल उन्हीं क्षेत्र में बुआई कराए जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, तो इन समस्याओं से भी इससे भी निपटा जा सकता था और सरकार उस समय ऐसा ही करती है और सोचती भी थी। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये समस्या सुलझ जाता है तो फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड, अभी तक हमारे देश के किसान ये मानते थे कि जितने भी, चूंकि भारत की धरती एक ऐसी धरती है जो महात्मा बुद्ध और महावीर की ये धरती है जहां पर अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है, तो भारत के किसान जो है वो कीट पतंगों को अपना मित्र मानते थे, वो किसी न किसी रूप में इसे सहपाठी मानकर अपने जीवन के साथ ही इन्हें लेकर ढोना चाहते थे और वो किसी भी हमारे धरती पर किसी को भी मारना पाप समझा जाता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इंसेक्टिसाइड इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लेकिन फिर भी अगर हमें अपने जीवन यापन करना है तो ऐसी कंडीशन में इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना जरूरी था और ये भी काफी ऊंचे महंगे दाम पर मिलते हैं। दूसरा चीज है कि इनके प्रयोग और प्रबंधन, यानी इनके प्रयोग और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, लेकिन अगर शाही कमीशन की बात आप मानते हैं तो भारत का किसान लगनशील, परिश्रमी, मेहनत कश किंतु अंगूठा टेक था। अतः इस कथन से स्पष्ट होता है कि भारत के किसान को इतना जल्दी प्रशिक्षित करना संभव नहीं था। इसके अलावा इसका प्रबंधन या इसका रख रखाव भी करना जरूरी था, क्योंकि ये जहर होता है और हवा में तेजी से रिएक्शन भी करता है, इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि इससे मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसके प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। चलिए मान लेते हैं हमारे देश में तमाम सहकारी समितियों को तेजी से डेवलप किया गया था, उसके माध्यम से सरकार प्रशिक्षण वगैरह या ट्रेनिंग वगैरह चलाकर हम लोग ये देखते हैं कि किसानों को कुछ स्तर तक प्रशिक्षित कर सकती थी और इंसेक्टिसाइड्स के प्रयोग करने के तरीका को बता सकते थे और सरकार हम लोग ये देखते हैं कि यही करती है। हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि उस समय सरकार के पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे, सरकार भी संसाधन विहीन थी, लेकिन संसाधन विहीन होने के बावजूद उस समय के राजनेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी और इस संसाधनों के अभाव में इस ग्रीन रिवोल्यूशन को शुरू करना उस समय देश के लिए चुनौती था। हमारे देश की सरकार उस समय अपने ड्राफ्ट भी स्पष्ट करती है कि हम उच्च उत्पादकता वाली बीज का पहले आयात करेंगे और किसानों को इसको बोने के लिए प्रमोट करेंगे और इन्हें कम कीमत पर मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर विदेशों से मंगवाया जाएगा और किसानों को सब्सिडाइज प्राइस पर मुहैया कुछ करा दिया जाएगा। इसी तरीके से इरिगेशन की फैसिलिटीज से रिग्रेट करने के लिए सरकार उस समय यह नीति बनाती है कि हरित क्रांति का विस्तार केवल उन्हीं क्षेत्रों में हम लोग करेंगे जहां पर पहले से सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसी तरीके से यह भी तय किया गया ड्राफ्ट में कि इंसेक्टिसाइड्स के इस्तेमाल और प्रबंधन के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे और वह सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा जहां सहकारी समितियां बहुत फंक्शनल नहीं है वहां पर सरकार के कर्मचारी स्पेशली भेजे जाएंगे ताकि वो उसके रख रखाव और उसके प्रयोग के बारे में लोगों की जानकारी मुहैया कराई जा करा सके। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के बाद सरकार कमर कस कर हम लोग ये देखते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू करती है और देश के पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट के अधीन बीजारोपण किया जाता है और यह बीजारोपण या हरित क्रांति जो नींव रखी जाती है यह काफी मजबूती से रखी जाती है और चूंकि उस समय के लोगों की नीयत काफी अच्छी और साफ और स्पष्ट थी और उनको काम करने से कोई परेशानी नहीं था, इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति की मजबूती को ध्यान में रखते हुए तमाम समस्याओं को दरकिनार करके सरकार जब यह निर्णय करती है तो यह प्रोजेक्ट अपने आप सफल हो जाती है और इस सफलता के बाद हम लोग ये देखते हैं कि अब ये लगने लगता है कि भारत में खाद्यान्न संकट की समस्या समाप्त हो जाएगी और जो भूखमरी से मौतें हर साल होती है वो भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अब चूंकि लोकतांत्रिक देश में भूख से लोग मर जाएं ये एक सबसे घृणित बात थी, इसीलिए हमारे देश की सरकार इस चुनौती से निपटना हर हाल में इस चुनौती से निपटना चाहती थी और सरकार ऐसा करती भी है। इस तरीके से भारत में हम लोग ये देखते हैं कि 1966 में हरित क्रांति शुरू हो जाती है और पश्चिमी पंजाब, अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में क्यों की गई, इसीलिए की गई क्योंकि पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में अगर कोई पूछे कि भाई हरित क्रांति के सूत्रपात इलाहाबाद में क्यों नहीं की गई, तो उसकी सीधी सी वजह यह थी कि यहां पर इरिगेशन की पर्याप्त फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी, जबकि पश्चिमी पंजाब इसके लिए एक बढ़िया क्लाइमेट था और वहीं पर हमारे देश में हरित
क्रांति शुरू की गई, क्योंकि इरिगेशन की पर्याप्त फैसिलिटी हमारे देश में उन्हीं क्षेत्रों में थी। क्योंकि आप जानते हैं कि सल्तनत मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक में या प्राचीन काल में भी हम लोग ये देखते हैं कि उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादातर सिंचाई का विस्तार हुआ था, और आज भी वहीं पर सिंचाई का विस्तार सिंचाई की सुविधा सबसे ज्यादा उपलब्ध है। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हीं क्षेत्रों में शुरू की जाती है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग ये देखते हैं कि किन फसलों को शामिल किया गया, तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले राइस को शामिल किया गया, यानी धान या चावल को शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि गेहूं को शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जौ ज्वार बाजरा मक्का यानी मोटा अनाज को भी इसमें शामिल किया गया। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जौ ज्वार बाजरा को भी हरित क्रांति में शामिल किया गया था। यदि मोटे अनाज को भी हमारे देश में जौ में ज्वार में बाजरा में मक्का में भी को भी हरित क्रांति में शामिल किया गया था। लेकिन सबसे अधिक हम लोग ये देखते हैं कि सफलता किसमें मिलती है, वीट में मिलती है। हरित क्रांति में सर्वाधिक सफलता किसमें मिलती है, वीट में। वीट की उत्पादकता सबसे अधिक दर्ज की गई, और दूसरी सबसे अधिक सफलता किसमें मिलती है, राइस यानी धान में, पैडी में। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश के हरित क्रांति में मोटे अनाज और पतले अनाज में हम लोग ये देखते हैं कि गेहूं तथा चावल या धान को शामिल किया गया था। लेकिन हरित क्रांति को सर्वाधिक सफलता गेहूं के फसल में मिलती है, जबकि सबसे कम सफलता मोटे अनाजों के क्षेत्र में मिलती है। हम लोग ये देखते हैं कि चावल में भी सफलता हमें प्राप्त होती है, और हम चावल की उत्पादकता और गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरीके से अब उतना ही एकड़ या उतना ही बीघे जमीन में हम पहले की अपेक्षा गेहूं और धान का उत्पादन ज्यादा कर सकते थे। यही हरित क्रांति की खूबी थी, और इसका विस्तार हम लोग ये देखते हैं कि उसे के बाद समय गुजरता है, हमारे देश की प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा बनती है। मिसेज इंदिरा अपने शासनकाल में आने के बाद 1969 में हरित क्रांति का विस्तार करती है। हरित क्रांति का विस्तार समूचे पंजाब हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात बैंकों की शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्र में खोला जाता है, ताकि वो किसानों को कम ब्याज दर पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऋण दे सके, और हमारे देश के किसान इन ऋणों को प्राप्त करके इन चारों आगतों को खरीद कर हरित क्रांति जैसी नीति को सफल बना सके। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में हरित क्रांति जो होती है वह शुरू होती है। 1969 तक इसका विस्तार किया जाता है, और विस्तार करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि 1976 तक भारत जो होता है वह खाद्यान्न पदार्थों के उत्पादन में यानी फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के बारे में एक अर्थशास्त्री है, अमेरिकी अर्थशास्त्री मेरलीज उस समय यानी 70 के दशक में यह भविष्यवाणी करता है कि भारत में भविष्य में बहुत बड़ा बड़ा अकाल आने वाला है, अतः अमेरिका को अपने सारे आर्थिक संबंध खत्म कर लेने चाहिए, क्योंकि ये अकाल या ये संकट, आर्थिक संकट जो इंडिया की होगी वो कहीं ना कहीं आंच के रूप में अमेरिका को भी जला सकती है। इस तरीके से वो भारत से आर्थिक संबंध को खत्म करने का सलाह या सुझाव मेरलीज जो होता है वह अमेरिका को प्रदान करता है। लेकिन उनके दुर्भाग्य से, हमारे सौभाग्य से, हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति हमारे देश में क्या होती है, सफल होती है, और 1976 तक भारत खाद्यान्न पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाता है, और 1978 तक तो हम लोग अपने देश से कुछ सरप्लस खाद्यान्न पदार्थों का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद विदेशों में निर्यात करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल होती है। चूंकि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो हरित क्रांति का उद्देश्य हम लोग ये देखते हैं कि खाद्यान्न पदार्थों को उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उत्पादकता का विस्तार करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इन सभी में हरित क्रांति हमारी मदद करती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादकता गेहूं में दर्ज की जाती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति के दौरान ये देखा गया है कि सोनीपत एक ऐसा जिला, हरियाणा का सोनीपत एक ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता दर्ज की गई है। इसीलिए सोनीपत को हरित क्रांति का हृदय स्थल या हॉट प्लेस के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही आपको हो सकेगा। अब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का डाइवर्सिफिकेशन या सेकेंड जो जनरेशन का ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसकी बात करेंगे, किस तरीके से अब इसका विस्तार हम लोग ये देखते हैं कि देश के अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। चूंकि हरित क्रांति
ऐसा नहीं है कि इसकी आलोचना नहीं की गई, तो इसकी पहले हम लोग आलोचना कर जान जाएंगे, आलोचना के बाद फिर इसका विविधीकरण किस तरीके से किया गया, जिसे सेकेंड जनरेशन ग्रीन रिवोल्यूशन या द्वितीय चरण का हरित क्रांति कहा जा रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इंडियन इकोनॉमी में, और यहाँ से अक्सर एग्रीकल्चर सेक्टर से जब सवाल पूछे जाते हैं तो जो विशेषज्ञों का पैनल होता है वो इस पर जरूर एक बार चर्चा करता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति कहीं ना कहीं किसानों की आय को बढ़ाने में मदद प्रदान कर सकती है, ठीक है ना। और हम लोग ये देखते हैं कि चूंकि आप जानते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन की अपेक्षा वर्तमान समय में फल इत्यादि का उत्पादन जो है वो बढ़ा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि हरित क्रांति के अधीन जो है वो और क्या क्या लाया जा सकता था या किस तरीके से लाया जा रहा है और किस तरीके से ये किसानों की आमदनी को दुगुना तिगुना या चौगुना करने में मदद कर सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी की पोटेंशी बहुत है, इसका घरेलू मार्केट ही बहुत बड़ा है, साथ में हम लोग ये देखते हैं कि विदेश की भी हम आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशली अगर देखा जाए तो पोटेंशी बहुत है, और यहाँ पर अभी भी काम करने को बहुत कुछ बचा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि प्राइवेट पार्ट के लोग हैं या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर आज भी यहां पर काम किया जाए तो यहां बहुत बड़ी पोटेंशी है, और अगर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है या आत्मनिर्भरता जैसे उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए हम केवल अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करें, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर पर अपने आस अब फोकस हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्षेत्र को एक साथ संतुलित विकास करने की रणनीति बनाई जाए, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि असंतुलित विकास एक विकास का बढ़िया मार्ग है, यानी कुछ इस पर कुछ उस पर फोकस रखकर इस तरीके से असंतुलन बनाए रखे और इसी असंतुलन के माध्यम से हम संतुलित विकास करते चले जाएंगे। तो आज के लेक्चर में चूंकि ये पॉलिसी मेकिंग बातें हैं तो इसमें बहुत कुछ हम बोल जाएंगे और घंटों लग जाएगा, आप लोग सुनते रहेंगे, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ बताएं, कैसे कैसे सवाल पूछा जाएगा वो टॉपिक के आखिरी में हम आप लोगों को बता देंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही चर्चा, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक निवेदन यह है कि ज्ञान गोदावरी की इससे इतना सारा वीडियो आप लोगों को भेजा जा रहा है जिस जो कि आपको ज्ञान वर्धन कर सके, साथ में आपको अपने टारगेट तक पहुंचा सके, इसलिए आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और लोगों को बताएं, और ये सारी चीज़ देखिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि इसमें जो आपको लगे महत्वपूर्ण चीज़ है उसे निकाल लीजिए। अब ये सब चीज़ एक किताब में कहीं नहीं मिलता, बल्कि ये एक जगह पर हम लोग बहुत सारे किताब पढ़ते रहते हैं तो उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है उसको हम निकाल कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत, नहीं तो ग्रीन रिवोल्यूशन ये एग्रीकल्चर वगैरह सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर बहुत चर्चा की जा सकती है, ठीक है ना। हजारों लेक्चर दिया जाए तो भी कम ही लगेगा, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण और उपयोगी चीजें थी उसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी के साथ हमारा आज का इतना ही, कल मतलब अगला वीडियो जो हम बनाएंगे इसके आगे का टॉपिक हम बताएंगे, और इसके अलावा जो योजना इत्यादि का पार्ट छोड़े हैं उसको भी आपका कंप्लीट करके धीरे धीरे वीडियो बना के आपके सामने भेजेंगे। धन्यवाद।